हम लोग को पता चला था कि लॉस सैंटोस के अंदर बीच के पास जो मार्केट है उसके अंदर कोई चैलेंज है, बट यार गाइस मुझे तो यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा लोग हैं यार गाइस, बेचारे गाड़ी के नीचे आ जाएंगे इस तरह। तो एक काम करता हूँ कि यहाँ से किसी तरीके से बाहर निकलता हूँ यार गाइस, चैलेंज वगैरह तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यार हमजे मुझे एक चैलेंज दिखाई दे गया। किधर है सिंचन? अरे यार हमजे वो देखो कितना ज्यादा बड़ा है। अबे यार गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल लग रहा है मुझे। एक काम करते हैं कि गाड़ी को लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है? एक सेकंड यार गाइस, यहाँ पर एक जंप है। मेरे ख्याल से तो हम लोग को ये वाली जंप मार के जाना होगा ऊपर रैंप की तरफ, बट यार गाइस रैंप की तरफ भी काफी ज्यादा गाड़ियां हैं। लेकिन अभी मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा, पता नहीं कहाँ पे आके फंस गया हूँ। फाइनली यार गाइस हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और अभी जंप लगा के सीधा हम लोगों ने जाना है ऊपर की तरफ। मुझे तो लगता है कि ये वाली गाड़ी कभी भी जंप नहीं कर पाएगी यार। करेगी जंप, इस वाली गाड़ी को जंप करना होगा। और एक मिनट, अभी हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से भगाना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि हम लोग की गाड़ी ट्रैक तक पहुँच पाती ये यहाँ फिर नहीं। पहुंच गए यार गाइस, फाइनली हम लोग जगह पे पहुंच गए। और यहाँ पे तो काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं, बट यार गाइस ये तो मिलिट्री की गाड़ियां भी हैं यहाँ पर। एक काम करता हूँ कि ये येलो वाली रो मेरी है, लेकिन यार हमजा मैं तो अभी तक चूज ही नहीं किया। तो सिंचन तुझे किसने बताया कि तू चूज मत कर, ये येलो वाली रो मेरी है। तो फिर यार हमजा ये रेड वाली रो मेरी है। ठीक है तो फिर ये व्हाइट वाली रो मेरी है यार। अरे पहले इधर तो आओ, तुम लोगों ने रो भी सिलेक्ट कर ली, तुम लोग को रूल्स पता है क्या? हाँ हाँ हम लोग को सारे के सारे रूल्स पता है, बट यार गाइस सिंचन के पास ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा ओपी है। और सिंचन के पास एक ये वाली गाड़ी भी अच्छी है, ये सुपर कार भी ओपी है सिंचन के पास। मुझे यार गाइस ये वाली रो चूज करनी चाहिए थी, बट मैंने येलो चूज कर लिया है। मेरी रो भी ठीक है यार गाइस, ये वाली गाड़ी मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके पीछे पहिए वगैरह तो है नहीं यार गाइस, ये पूरी की पूरी चेन लगी हुई है यहाँ पर। उसके बाद मेरे पास एक ये वाली गाड़ी भी है, ये कौन सी है? दिखने में तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रही है। उसके बाद यार गाइस ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये बहुत ही ज्यादा ओपी है। फटाफट से हम लोग चौपी गाड़ियां जाके देखते हैं। तो भाई साहब ये देखो, चॉप को ये एक वैन मिल गई है, और वैन के बाद ये वाली गाड़ी अच्छी है यार गाइस, ये कोई बुगाटी वगैरह है? अरे नहीं यार हमने बुगाटी नहीं, बल्कि ये तो निसान की है। चलो ठीक है, निसान की गाड़ी भी अच्छी है। और भाई साहब चॉप को टैंक भी मिल गया है लिटरली में यार गाइस। चॉप की गाड़ियां भी ठीक है, मोटर बाइक भी ठीक है। अरे इधर आके रूल तो सुन लो पहले। हाँ हाँ बताओ कौन सा रूल है? और तुम्हें मैंने पहले कभी लॉस सैंटोस में देखा नहीं है? देखा तो मैंने भी तुम्हें नहीं है, ये हम लोग का पहला चैलेंज है लॉस सैंटोस के अंदर। अच्छा ये तुम लोग का पहला चैलेंज है, इसको तो मैं क्लियर करके रहूंगा, लेकिन हम लोग को तीन बंदे चाहिए, तुम तो अकेले हो। किसने बोला कि मैं अकेला हूँ? मेरे साथ सिंचन और चौपी हैं। अरे हाँ अंकल, आपको इतना बड़ा बंदा दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम कहीं से बड़े बंदे नहीं, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम कैसे पार्टिसिपेट करोगे? और ये क्या साथ में डॉगी भी लेकर आ गए हो? डॉगी नहीं है, मेरा नाम चौप है। हमें बताओ उसको मेरा नाम क्या यार? वो क्या है ना कि चौप अभी ये लॉस सैंटोस के अंदर नया आया है, तो उसको पता नहीं है कि तेरा नाम चौप है। हाँ ठीक है ठीक है, ये चौप और इस बच्चे का क्या नाम है? इस बच्चे का नाम सिंचन है और मेरा नाम हामिटी है। चलो ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या चीज है। यहाँ पे तो मैंने देख के रखा है, ये तो काफी ज्यादा स्टीप है। अब बताओ कि तुम इसके ऊपर जा सकते हो क्या? नहीं मैं तो इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी गाड़ी इसके ऊपर जाएगी। अच्छा तो तुम कॉमेडी भी करते हो? नहीं ज्यादा नहीं, वो बस जब मूड अच्छा होता है तो फिर मैं कर लेता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स तुम लोगों ने काउंट करने हैं। पॉइंट्स को मैं भी काउंट करूंगा, लेकिन साथ में तुम अपने किसी बंदे को बोलो कि वो भी पॉइंट्स को काउंट करे, क्योंकि वो क्या है ना कि पॉइंट्स हम लोग के काफी ज्यादा होते हैं, तो सिंचन और चौप हमेशा चीटिंग करते हैं। लेकिन यार हमें आप भी हम लोग के साथ इतनी ज्यादा चीटिंग करते हो। तुम लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बंदा है जो कि सारे के सारे पॉइंट्स को लिखता रहेगा। अभी तुम लोग ये बताओ कि पहली बारी कौन करेगा? पहली बारी तो हर बार की तरह मैं करूंगा, बट यार गाइस मेरे पास सारी की सारी गाड़ियां ओपी हैं, किसको लेके जाऊं? मोटर बाइक भी मेरी अच्छी है, ये वाली गाड़ी भी अच्छी है। काम करता हूं कि इसको लेके जाता हूं यार गाइस, ये मुझे अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि ये मुझे ज्यादा पॉइंट्स दिलवा देगी। रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, संभल के जाना ऊपर। उस बात की तुम फिक्र ही मत करो, सारे के सारे पॉइंट्स मैं अकेले लेकर आऊंगा, और जो गाड़ी एक दफा यूज हो गई वो दोबारा यूज नहीं होगी। हाँ ये सारे के सारे रूल्स मुझे पता है, मैंने पहले भी काफी ज्यादा चैलेंजेस के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है। और यार गाइस पहली स्लोप तो हम लोगों ने एक सेकंड के अंदर अंदर क्लियर कर लिया है। और ये क्या भाई साहब 10 पॉइंट्स मिले हैं मुझे, लेकिन अभी तो शुरुआत है यार गाइस, गाड़ी मेरी बहुत ज्यादा ओपी है, मुझे लगता है कि ये एंड तक जाएगी। देखते हैं कि ये वाली स्लोप भी मेरी गाड़ी ने इजीली क्लियर कर ली लिटरली में यार गाइस, ये गाड़ी है या फिर रॉकेट है, काफी ज्यादा ओपी है। और अभी मुझे जाके कलेक्ट करने होंगे 20 पॉइंट्स, मुझे मिल चुके हैं। देखते हैं कि यहां से आगे जाके क्या होता है। भाई साहब लगता है कि 30 पॉइंट्स मिल गए। हां यार गाइस 30 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं, और वो जो लास्ट वाली जंप है ना उसके 500 पॉइंट्स हैं। 500 पॉइंट्स यार गाइस मुझे जाना होगा, 500 पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे। बट अभी उससे पहले मुझे इस वाली स्लोप को क्लियर करना है। भाई साहब कितना इजी है ये, मुझे लगा था कि काफी ज्यादा मुश्किल होगा, बट नहीं यार गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। और मेरे ख्याल से ये वाली स्लोप लास्ट है। तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, और वाकई में ये लास्ट स्लोप है। एक सेकंड के अंदर अंदर ये वाली स्लोप भी क्लियर करूंगा, क्योंकि यार गाइस मेरी गाड़ी काफी ज्यादा ओपी तो थी, लेकिन लगता है कि अभी ओपी नहीं है। एक मिनट ये क्या हो रहा है, गाड़ी रुक क्यों
क्यों नहीं रही? ये तो चैलेंज की खास बात है बेटा, तुम्हारा एक पॉइंट जाया हो गया। क्या मतलब मेरा पॉइंट जाया हो गया? मतलब ये कि तुम्हें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट्स। 40 पॉइंट्स भी मेरे लिए काफी ज्यादा है, लेकिन यार हमिद अभी तो मेरी बारी और आप देखो कि मेरे पास कितनी ज्यादा ओपी गाड़ियां हैं। हाँ सिंचन, गाड़ियां तो ओपी हैं और सिंचन के पास एक ही मॉन्स्टर ट्रक है यार। गाइस मॉन्स्टर ट्रक तो इजीली इन वाले स्लोप्स को क्लियर कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भी काफी ज्यादा चांसेस हैं और हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 5-5 गाड़ियां हैं। एटलीस्ट 6-7 गाड़ियां होनी चाहिए थी, लेकिन यार गाइस हम लोग के पास 5-5 गाड़ियां हैं और देखते हैं कि सिंचन का ये वाला मॉन्स्टर ट्रक कहां तक जाता है। भाई साहब इसकी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही तेज है, और सबसे ज्यादा मजे की बात यह कि यार गाइस इसके पहिए बहुत ज्यादा बड़े हैं। 10 पॉइंट सिंचन को मिल चुके हैं और मुझे लगता है कि यार गाइस ये जाएगा 500 पॉइंट्स तक। काफी ज्यादा स्पीड है इसकी और 1 मिनट कंट्रोल करना इसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सिंचन की हाइट भी छोटी है, लेकिन यार गाइस सिंचन गाड़ी को ओपी चला रहा है। मुझे लगा था कि नीचे जाएगी, बट नहीं, गाड़ी नीचे नहीं गई है और सिंचन को मिल चुके हैं 30 पॉइंट्स। यार गाइस देखते हैं कि यहां से आगे जा पाती है या फिर नहीं। गाड़ी तो मानना पड़ेगा सिंचन की काफी ज्यादा ओपी है। और अबे अबे भाई साहब ये क्या कर रहा है सिंचन, गाड़ी को तुझे रोकना होगा। लेकिन यार हमें तो गाड़ी तो रुक नहीं रही, रुक गई। अबे यार गाइस गाड़ी रुक गई थी सिंचन की, लेकिन फिर से पीछे चली गई। और सिंचन को कितने पॉइंट्स मिले थे? 30 पॉइंट्स। अरे यार हमें 30 नहीं बल्कि 40 पॉइंट्स। मेरे चैलेंज के अंदर कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी। अच्छा तो सिंचन के 30 पॉइंट्स है ना? तुमने बिल्कुल ठीक बोला, सिंचन को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स। इतना ज्यादा ओपी मॉन्स्टर ट्रक था सिंचन तेरे पास, मुझे लगा था कि 500 पॉइंट्स तुझे मिल जाएंगे, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया। लेकिन यार हामिदा मैं क्या करता है, मेरा ट्रक तो उल्टा हो गया था। लगता है कि सिंचन तुम्हें मॉन्स्टर ट्रक चलाने की टेक्निक नहीं आती है, लेकिन अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि वैगन को किस तरह चलाते हैं। यार नहीं यार चौप, ये क्या वैन को चूज कर रहा है क्या? ये कोई ऐसी वैसी वैन नहीं हामिदा, ये मॉन्स्टर वैन है यार। वो तो मुझे दिख रहा है यार गाइस, वाकई में ये एक मॉन्स्टर वैन है। और पहले कभी हम लोगों ने इसको चैलेंज में ट्राई नहीं किया है, लेकिन देखते हैं कि अब की बारी ये क्या करती है। दिखने में तो काफी ज्यादा ओपी है और इसकी हाइट भी ऊंची है। इसकी सिर्फ हाइट ऊंची नहीं है, ये वाली गाड़ी व्हीली भी करती है यार। अबे यार गाइस ये तो व्हीली भी करती है। अभी जहां तक मुझे लगता है ये 20 या फिर 30 पॉइंट से ज्यादा आगे नहीं जाने वाली है। मगर 1 मिनट इसका आगे वाला शीशा चेक करो भाई साहब, गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड है। और 10 पॉइंट्स इसने कर लिए हैं। 10 पॉइंट्स करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे तो ये वाली गाड़ी आगे से दिखने में बहुत ही ज्यादा ओपी लग रही है। और चॉप इसको भगा भी कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से रहा है यार गाइस। 20 पॉइंट्स चॉप को मिल गए। और भाई साहब गई 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 पहुंच गई यार गाइस। मुझे लगा था कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन चॉप ने गाड़ी को अच्छा कंट्रोल किया है। 30 पॉइंट्स चॉप को मिल चुके हैं। देखते हैं कि 40 तक जाता है या फिर नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं जाएगी यार गाइस, अभी ये वाली गाड़ी 40 तक नहीं जा सकती है, क्योंकि एक तो ये वैन है, लेकिन है मॉन्स्टर वैन, लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं गई। इसको ऊपर लेके जाने के लिए मुझे स्पीड पकड़नी होगी यार। हाँ पकड़ ले चॉप, जितनी स्पीड पकड़ सकते हैं पकड़ ले, लेकिन मेरे ख्याल से यार गाइस ये वाली गाड़ी ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है। और 1 मिनट भाई साहब पहुंच गई थी, लेकिन 1 सेकंड चॉप कितनी ज्यादा रेसें दे रहा है, लेकिन गाड़ी चॉप की 30 से ऊपर नहीं जाएगी। चॉप मेहनत करना फजूल है। ऐसे कैसे मेहनत करना फजूल है, मैं अपनी इस वाली गाड़ी को लेके जाऊंगा ना ऊपर यार। ठीक है देखते हैं कि यार गाइस चॉप की गाड़ी ऊपर जा पाती है या फिर नहीं। और भाई साहब पहुंच गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे रुक गई। इसका मतलब ये है कि चॉप को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स। ऐसे कैसे 30 पॉइंट्स मिलते हैं, मैं आपको 40 पॉइंट्स लेके दिखाऊंगा, वो भी इस वाली गाड़ी से। यार मुश्किल लग रहा है चॉप, और बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि इम्पॉसिबल लग रहा है, ये वाली गाड़ी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, मैं पीछे से भगा के लेकर आऊंगा यार। कब से ट्राई कर रहा है चॉप, लेकिन तेरी ये वाली गाड़ी नहीं है ना, इसके अंदर पावर ही नहीं है। पावर है मेरी ये वाली गाड़ी, बहुत ज्यादा पावरफुल है, अभी आप देखना यार। ठीक है यार गाइस, हम लोग देखते हैं कि चॉप की गाड़ी 40 पॉइंट्स तक जा पाती है या फिर नहीं। अबे यार गाइस पहुंच गई, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले क्यों नहीं जा रही थी? पहले इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि पहले मैंने स्पीड नहीं पकड़ी थी ना यार। अच्छा तो ये बात है, लेकिन चॉप अब क्या करेगा, ये वाला ट्रैक भी मैं इजीली क्लियर कर सकता हूं यार। ठीक है तो यार गाइस देखते हैं कि चॉप क्लियर कर पाता है या फिर नहीं। और अगर चॉप ने ये भी क्लियर कर लिया तो चॉप को मिलेंगे 500 पॉइंट्स। लेकिन ये रास्ता क्लियर करना इतना आसान नहीं है यार गाइस। मेरे ख्याल से चॉप की गाड़ी इतना भी अब अच्छी नहीं है कि आगे तक जाएगी। जाएगी मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है यार। ठीक है हम लोग देख लेते हैं, लेकिन 500 पॉइंट्स चॉप इस वाली गाड़ी के बस की बात नहीं है। और भाई साहब नहीं पहुंची, मुझे पहले ही पता था कि ये वाली गाड़ी 500 पॉइंट्स तक तो नहीं पहुंच सकती है। लेकिन हाँ मोटर बाइक या फिर हम लोग की सुपर कार ऊपर तक जाएगी। ऐसे कैसे जाएगी, मेरी ये वाली गाड़ी बहुत ओपी है, इसको मैं ऊपर लेके जाके दिखाऊंगा ना आपको यार। ठीक है चॉप, वो तो मैं देख रहा हूँ। और भाई साहब कोशिश चॉप ने बहुत ज्यादा की थी, लेकिन चॉप की ये वाली वैन नहीं जाएगी ऊपर। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, मैं स्पीड पकड़ के जाऊंगा यार। कर ले चॉप, जितनी कोशिश कर सकता है कर ले, लेकिन नहीं भाई साहब ये नहीं जाने वाली है। कुछ भी हो जाए यार गाइस, ये वाली वैन 500 पॉइंट्स तो कभी भी कलेक्ट नहीं करेगी। और भाई साहब गई नीचे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गाड़ी तो बहुत ज्यादा अच्छी थी यार। अच्छी थी तभी तो तुझे 40 पॉइंट्स मिले हैं। और सिंचन के हुए हैं 30 पॉइंट्स, मेरे भी 40 पॉइंट्स और चॉप के भी 40 पॉइंट्स। अरे वाह, तुम सब लोग तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्लेयर्स हो। आना हम लोग चैलेंजेस को क्लियर करते रहते हैं तो हम लोग का एक्सपीरियंस है। बट अभी क्या लेके जाऊं यार गाइस, मोटर बाइक लेके जाता हूं। इसकी टायर्स में तो चेन्स भी लगी हुई है यार गाइस, ग्रिप इसकी ओपी होगी। और अभी वैसे भी मुझे ऐसी मोटर बाइक चाहिए जिसकी ग्रिप अच्छी हो यार गाइस। पीछे से भगा के लेके जाऊंगा और सीधा जाके 500
पॉइंट्स को कलेक्ट करने वाला हूँ मैं। 500 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए तो फिर तुम्हारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर अभी तुम देखते जाओ कि मैं 500 पॉइंट्स को किस तरह कलेक्ट करता हूँ। मोटर बाइक यार गाइस काफी ज्यादा ओपी है और मुझे लगता है कि ये जाएगी ऊपर तक। इसकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं है लेकिन ये फिर भी आगे की तरफ जा रही है। 10 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं और मेरे ख्याल से हम लोग को 20 पॉइंट्स भी मिलेंगे। यार गाइस मिल गए, हम लोग को फाइनली 20 पॉइंट्स भी मिल चुके हैं और मोटर बाइक यार गाइस अनस्टॉपेबल है, बहुत ज्यादा ओपी है लिटरली में। यार गाइस 30 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं और 40 पॉइंट्स मिलेंगे इजीली। मुझे 40 पॉइंट्स तो मिल सकते हैं और 40 पॉइंट्स भी मिल गए, इसका मतलब ये है कि यार गाइस मेरी ये वाली मोटर बाइक जाएगी सीधा 500 पॉइंट्स तक। अबे जाओ ना, क्या हो गया, नहीं जा रही। अबे यार गाइस नहीं गई, लेकिन ओपी थी यार गाइस, इसकी ग्रिप बहुत ज्यादा ओपी है। 40 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं लेकिन मैं ज्यादा आगे जाना चाहता हूँ। ये क्या इसके अगले टायर में चेंज नहीं है क्या? अरे मुझे लगता है कि तुम्हारे मोटर बाइक की अगले टायर की चेंज उतर गई। ऐसे कैसे चेन उतर गई, मुझे चाहिए होंगे 500 पॉइंट्स यार गाइस। आई होप कि आपकी बारी हो जाएगा। चलो 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 चलो, हो गया था यार गाइस, लिटरली में हो गया था। मगर एक मिनट, यहाँ पे रुक गई मेरी मोटर बाइक, यहाँ पे रुक गई और इसने तो मुझे भी नीचे गिरा दिया यार गाइस। ये तो कुछ ज्यादा चोट लग गई हम लोग को, लेकिन खैर उठना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है कि मेरी मोटर बाइक नीचे नहीं गिरी, यहीं पे गिरी है। मैं दोबारा ट्राई करूंगा, चोटें वोटे मुझे लग रही है लेकिन खैर कोई बात नहीं। मोटर बाइक को उठाया तो चोटे तो लगेंगे यार गाइस। अब ये गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, लेकिन मेरी मोटर बाइक आगे तक पहुंच गई थी यार गाइस। ये करेगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली मोटर बाइक करेगी। अरे नहीं करेगी, नहीं करेगी, वापस आ जाओ। तुम तो ऐसे ही बोलोगे ना कि नहीं करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये करेगी। और अब की बारी सोच रहा हूँ कि व्हीली उठा के जाऊं। अबे यार गाइस ये व्हीली वाला प्लान ओपी था, मगर एक सेकेंड नहीं हो सका यार गाइस, ये दोबारा नहीं हुआ। एक काम करता हूँ कि दोबारा व्हीली उठा के जाऊंगा। ये जो व्हीली वाली ऑप्शन है ना, मेरे ख्याल से ये ओपी है और मुझे 500 पॉइंट्स मिल के रहेंगे। कोशिश तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। हाँ ना, मुझे भी लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन यार हामिद मुझे लगता है कि आपकी ये वाली मोटर बाइक कभी भी क्लियर नहीं करेगी। अब की बारी तो यार गाइस लिटरली में कुछ ज्यादा ही चोट लग गई है। एक काम करता हूँ कि पैराशूट को निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा जाना होगा पानी के अंदर। बच गया यार गाइस, मैं तो बच गया, लेकिन मुझे मिले सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट्स। अच्छा है, 40 पॉइंट्स भी काफी हैं, लेकिन यार गाइस आप लोगों ने पॉइंट्स को सही तरीके से काउंट करना है। मेरे 40 पॉइंट्स पहले थे और 40 अभी मिल गए। सिंचन के 30 पॉइंट्स हैं और चॉप के भी 40 पॉइंट्स हैं, लेकिन यार हमें तो मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा। लगता तो सिंचन मुझे भी ऐसा ही है। और भाई साहब सिंचन ने चूज कर लिए ऑडी। यार गाइस ये ऑडी काफी ज्यादा फास्ट होती है। अरे हाँ यार गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं जीत जाऊं तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे यार गाइस सिंचन चैलेंजेस कम ही जीतता है, तो आप लोग सिंचन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि सिंचन ये वाला चैलेंज जीत जाए। और यार हामिद मैं चाहता हूँ कि आप हार जाओ। अच्छा अगर ये बात है तो फिर तो मुझे हरा के दिखा। गाड़ी तेरी काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन देखते हैं कि पॉइंट्स इसको कितने मिलते हैं। और भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा स्पीड से जा रहा है आगे की तरफ। 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं सिंचन को और अभी 20 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। हाँ यार गाइस 20 पॉइंट्स भी मिल चुके हैं, गाड़ी इसकी कुछ ज्यादा ही तेज जा रही है। लेकिन यार गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके लिख दो सिंचन ओपी। हाँ यार गाइस आप लोग जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई साहब 40 तक पहुंच गया सिंचन, लेकिन कमेंट करके आप लोगों ने सिंचन ओपी नहीं लिखना यार गाइस। अगर आप लोग को लगता है कि मैं जीतूंगा तो कमेंट करके हामिद ही ओपी लिख देना। अगर आप लोग को लगता है कि सिंचन जीतेगा तो कमेंट करके सिंचन ओपी, और अगर आप लोग को लगता है कि चॉप जीतेगा तो कमेंट करके चॉप ओपी लिख देना। और यार गाइस साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब तक तो सिंचन हो गया होगा, लेकिन देखते हैं कि तुझे 500 पॉइंट्स मिलते हैं या फिर नहीं। यार गाइस ये ऑडी है तो काफी ज्यादा ओपी। अबे भाई साहब हो गया था, लिटरली में हो गया था यार गाइस। पता नहीं कैसे सिंचन की गाड़ी रुक गई। देखा हामिद, मैंने आपको बोला था ना कि मेरे देखने वालों का सपोर्ट मेरे साथ है तो फिर मैं जीत जाऊंगा। वो तो सिंचन जब हम लोग कमेंट्स को पढ़ेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। और इसलिए यार गाइस फटाफट से कमेंट करके बता देना कि आप लोग को क्या लगता है कि कौन जीतेगा। सिंचन की गाड़ी पहुंच गई थी यार गाइस, लिटरली में पहुंच गई थी, और मुझे लगता है कि ये वाली गाड़ी करेगी। अबे यार भाई साहब गई नीचे, लेकिन यार हामिद ये क्या हो गया सिंचन? ये हुआ कुछ ये है कि तेरी गाड़ी चली गई है नीचे की तरफ, और दूसरी बात ये हुई है कि तूने अपनी सबसे ज्यादा ओपी गाड़ी को वेस्ट कर दिया है। चलो चलो बाहर आ जाओ, तुम्हें भी मिले सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट्स। किसी को तो 500 पॉइंट्स तक पहुंचना होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर हामिद मैं आपको 500 पॉइंट्स तक पहुंच के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये टैंक लेके जाऊंगा यार। अबे यार भाई साहब ये टैंक वैसे है बहुत ज्यादा ओपी, और इस वाले टैंक की स्पीड भी बहुत तेज होती है यार गाइस। देखते हैं कि टैंक क्या करता है तो यार गाइस ये अच्छा, और इसकी स्पीड भी तेज होती है। मगर एक सेकंड यार गाइस ये तो लाइटनिंग फास्ट है, और इसकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं है यार गाइस। मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा फास्ट होगा, लेकिन नहीं, ये ज्यादा तेज नहीं है, और मेरे ख्याल से ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगा। ऐसे कैसे नहीं पहुंचेगा, 40 पॉइंट्स दिलवाएगा मुझे यार। लेकिन यार चॉप ये तेरा टैंक तो यहीं पे रुक गया है, मगर एक सेकंड चला गया। 30 नहीं बल्कि 20 पॉइंट्स चॉप को मिल चुके हैं, और 30 तक जाना भी मुझे इसका मुश्किल लग रहा है। ऐसे कैसे मुश्किल लग रहा है, आप बीच में मत बोलो यार। ठीक है चॉप, मैं तो चुप हूँ, लेकिन ये क्या भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स? मुझे लगा था
था कि चॉप के पास टैंक ये 500 पॉइंट्स को कंप्लीट करेगा, मगर यार गाइस ये तो 20 से आगे नहीं जा रहा है। जाएगा जाएगा, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, अभी आप देखते जाओ यार। ठीक है चॉप, मैं तो कब से इधर ही देख रहा हूँ, लेकिन नहीं जाएगा चॉप, तेरा ये वाला टैंक नहीं जाएगा। ऐसे कैसे नहीं जाएगा, मुझे इसको पीछे से भगा के लेकर आना होगा यार। वैसे चॉप के पास ही पीछे से भगा के लेकर आने वाली टेक्निक भी काफी ज्यादा ओपी है, देखते हैं कि अब की बारी ये क्या ही करता है यार। गाइस 20 पॉइंट्स मिले हैं अभी तक इसको, मुझे लगा था कि 40 तक जाएगा या फिर 500 तक जाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब नहीं जाएगा चॉप, ये नहीं ऊपर जा सकता। ऐसे कैसे ऊपर नहीं जाएगा, मेरे पास एक और प्लान है यार। ठीक है दिखा चॉप, कौन सा प्लान है तेरे पास, तेरे टैंक का वेट इतना ज्यादा है ये मेरे ख्याल से तो ऊपर नहीं जाने वाला है। ऐसे कैसे नहीं जाएगा, मैं इसको यहाँ से भगाना स्टार्ट करूंगा यार। हाँ वैसे यार गाइस ये वाली टेक्निक चॉप की अच्छी है, और देखते हैं कि अब की बार इसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ से ऊपर। यार गाइस ये नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, वाकई में यार चॉप ये टैंक ऊपर जा ही नहीं सकता है। ऐसे कैसे नहीं जाएगा, एक और मौका चाहिए मुझे यार। हाँ हाँ ले ले चॉप, जितने चांसेस चाहिए तू ले सकता है, लेकिन गाड़ी तेरी दोबारा यूज नहीं हो सकती है, और ये वाला टैंक मेरे ख्याल से तो यार गाइस ज्यादा आगे नहीं जाएगा लिटरली में यार गाइस। 20 पॉइंट्स तो सबसे ज्यादा कम है, लेकिन चॉप भगा रहा है यार गाइस, चॉप अपने टैंक को भगा तो रहा है। और एक मिनट, ये बीच में एक चीज आती है ना मेरे ख्याल से, उस वजह से चॉप का टैंक रुक जाता है। अभी एक काम करके चॉप राइट साइड से निकाल। राइट साइड से निकालने की जरूरत नहीं है, मेरा टैंक ऊपर जा रहा है यार। ऊपर नहीं चॉप, ये तो नीचे जा रहा है। और नहीं भाई साहब, लेकिन चॉप देख मेरे पास एक प्लान है, तू अपने टैंक को ना राइट साइड से निकाल। मुझे भी लगता है कि ये वाला रास्ता बिल्कुल खराब है यार। हाँ ना चॉप, ये वाला रास्ता लेफ्ट साइड से खराब है, तू अपने टैंक को राइट साइड से लेके जा, उसके बाद हो सकता है कि यार गाइस चॉप को 30 पॉइंट्स मिल जाएं। टैंक की स्पीड काफी ज्यादा तेज है और चॉप इसको भगा भी रहा है, लेकिन नहीं चॉप नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी कर ले तेरा ये वाला टैंक ऊपर नहीं जाने वाला है। ऊपर नहीं जाएगा तो फिर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा यार। 20 पॉइंट्स चॉप, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स, काफी ज्यादा कम है ये तो। लेकिन अभी पॉइंट्स को टोटल करने की बारी आ गई है। तुम्हारे हामिटी पहले थे 40 पॉइंट्स, अभी भी मिले 40 पॉइंट्स, टोटल हो गए 80 पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, चॉप के कितने हैं? चॉप को पहले मिले थे 40 पॉइंट्स, अभी मिले 20 पॉइंट्स, टोटल 60 पॉइंट्स। चॉप के 60 पॉइंट्स, और सिंचन के पहली दफा थे 30 पॉइंट्स, अभी मिले 40 पॉइंट्स, टोटल 70 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि चॉप के 60 पॉइंट्स हैं, सिंचन के 70 और मेरे 80 पॉइंट्स हैं। अच्छे हैं यार गाइस, अभी तक तो सबसे ज्यादा आगे मैं ही जा रहा हूं, और सोच रहा हूं कि क्यों ना इसको ट्राई करूं यार गाइस, ये चीज मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है, और मुझे लगता है कि ये तो है ही ऑफ रोडिंग टैंक यार गाइस, बल्कि टैंक बोलेंगे गाड़ी बोलेंगे इसको, जो भी है तो काफी ज्यादा ओपी, मुझे यही चाहिए होगा। ट्राई करते हैं यार गाइस, इसको ट्राई करूं या फिर एक काम करता हूं कि इसी को ट्राई करता हूं, सबसे ज्यादा उम्मीदें तो मुझे इसी से हैं यार गाइस, बल्कि गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन अभी इसको ट्राई करता हूं, ये मुझे अच्छा लग रहा है यार गाइस, लगता है कि ये क्लियर करेगा। इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी और इसके अंदर पावर्स भी ज्यादा होंगी, दिखने में तो काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन देखते हैं कि ये ऊपर जा पाएगा या फिर नहीं। यार गाइस ये क्या चीज मिल गई है मुझे, ये तो टर्न ही नहीं कर रहा। अबे यार गाइस ये तो टर्न कर ही नहीं सकता, ये क्या चीज मिल गई है मुझे। अबे एक सेकंड, नीचे मत गिरना प्लीज, तुम बच गए यार गाइस, बार बार बचे नहीं तो मेरी बारी जाया हो जाती, जीरो पॉइंट पे अगर जाके रुक गया तो फिर क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे हाँ हामिदा, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज है। नहीं नहीं इतनी भी अजीब सी चीज नहीं है, इसको चलाने की कोई ना कोई टेक्निक चाहिए मुझे, और वो टेक्निक अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ। एक काम करता हूँ कि टर्न वगैरह नहीं करूंगा, बिल्कुल सीधा इसको लेके जाऊंगा यार गाइस, ना ही लेफ्ट करूंगा ना ही राइट करूंगा, सीधा इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। मगर यार गाइस ये तो खुद ही लेफ्ट की साइड पे जा रहा है, ये क्या चीज है यार गाइस, ये खुद ही लेफ्ट जा रहा है लिटरली में यार गाइस। अबे नहीं नहीं नहीं, बच गया, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना तुमने यार गाइस। ये क्या, जीरो पॉइंट्स मिल गए। एक मिनट, पानी में चल सकता है क्या? हाँ यार गाइस ये पानी में चल रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो। ऐसे कैसे डिस्क्वालीफाई हो गए हो, मैं अपनी गाड़ी को ऊपर लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारी गाड़ी पानी में गई, इसका मतलब कि तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। नहीं मैं नहीं मानता, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हूँ, मैं अपनी गाड़ी को ऊपर लेकर आऊंगा। अरे तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो, चीटिंग मत करो। लेकिन मैं तो कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी देखो अभी तक चल रही है, और अब अगर ये चल रही है तो मैं इसको ऊपर लेकर आ सकता हूँ ना। नहीं लेकर आ सकते, जो चीज एक दफा पानी में गई वो दोबारा ऊपर नहीं आएगी। ऐसे कैसे ऊपर नहीं आएगी यार गाइस, ये लिटरली में मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। और भाई साहब ये मैं कहां से निकल गया, वहां से गुजरा था और यहां से आके निकला हूं। एक काम करता हूं कि इस वाली गाड़ी को मुझे एक और चांस चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारी गाड़ी पानी में गई, इसका मतलब है तुम्हारे चांस भी गए। लेकिन ये पानी में भी तो चल रही है ना। अभी अगर तुमने दोबारा गाड़ी का नाम लिया तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अच्छा ठीक है आ रहा हूं, लेकिन गाड़ी को साथ में लेकर आऊंगा। गाड़ी का तो तुम लेकर आ सकते हो, लेकिन तुम इसको यूज नहीं करोगे। लेकिन मेरी गाड़ी तो पानी में चल रही है ना, अभी इसमें मेरी क्या गलती है? गाड़ी मेरी बहुत ज्यादा ओपी है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम लोग मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। हम लोग चीटिंग नहीं कर रहे हैं, तुम चीटिंग कर रहे हो। अच्छा अब मैं चीटिंग कर रहा हूँ, चलो ठीक है, लेकिन
बहुत ही ज्यादा ओपी चीज है यार गाइस, पानी के बीच में चल रही है। एक काम करता हूँ कि इसको छुपा देता हूँ, जाते वक्त ले जाऊंगा यार गाइस, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन इसको छुपाऊंगा किधर, एक सेकंड, थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ इसको और जाते वक्त ले जाऊंगा, इसको यहाँ पे छुपा देता हूँ। हाँ यार गाइस, ये वाली चीज है तो बहुत ही ज्यादा ओपी, इसको मैं यहाँ पे छुपा दूंगा। अबे तुमने ऊपर आना है या फिर नहीं? आ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, बस ऊपर आ रहा हूँ। फाइनली यार गाइस, गाड़ी मैंने छुपा दी है, जाते वक्त मैं इसको ले जाऊंगा। तुम्हें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 0 points। हाँ मुझे पता है 0 points है गाइस, लिटरली मैं शर्म की बात है, 0 points मिले हैं, मुझे हार जाऊंगा अभी, मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन यार हमें दे, मैं तो आपको 500 points पूरे करके दिखाऊंगा। 500 points सिंचन, 500 points लेना इतना आसान नहीं है, और गाड़ी ओपी है, मानना पड़ेगा भाई साहब, गाड़ी ओपी है। 500 points भी सिंचन ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्या बचा है? पीछे दो नॉर्मल सी गाड़ियां बची हैं, लगता है कि मैंने इस दफा गाड़ियां सही से चूज नहीं की थी। तुम्हारे पास पूरा का पूरा टाइम था, सबसे पहले तुमने ही गाड़ी चूज की थी। हाँ वो तो मुझे पता है, और एक मिनट गया, सिंचन भी गया नीचे, सिंचन नहीं यार गाइस, बच गया सिंचन, मुझे लगा था कि नीचे जाएगा, बट नहीं यार गाइस, सिंचन भी बच गया है और अभी जाएगा लिटरली मैं यार गाइस दोबारा बच गया है। लेकिन यार हमें दे, मैं तो फुल स्पीड से जाऊंगा। किस्मत अच्छी है सिंचन तेरी कि अभी तक तू नीचे नहीं गिरा है, और 30 points मिल चुके हैं सिंचन को, अब की बारी तो यार गाइस ये वाली गाड़ी जाएगी। मुझे पता है यार गाइस, 500 points तक ये वाली गाड़ी जाने वाली है, क्योंकि ये काफी ज्यादा तेज है। और एक सेकंड नहीं गई यार गाइस, सिंचन की गाड़ी नहीं गई, लेकिन नीचे भी नहीं गई, नीचे गिर जाती फिर भी ठीक था, बट यार गाइस ये नीचे भी नहीं गई है, क्योंकि यार हामिद मैं पूरे के पूरे 500 points आपको लेके दिखाऊंगा। ठीक है सिंचन, गाड़ी तेरी ओपी है, मानना पड़ेगा, गाड़ी नो डाउट काफी ज्यादा ओपी है, लेकिन देखते हैं कि एंड तक पहुंचती है या फिर नहीं यार गाइस। अगर तो सिंचन की ये वाली गाड़ी एंड पे पहुंच गई, उसके बाद हम लोग तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और नहीं जा रही सिंचन, ये नहीं जाएगी तेरी गाड़ी ऊपर, दिखने में अच्छी थी और बच गई यार गाइस, नीचे जाने वाली थी लेकिन सिंचन ने बचा लिया इसको। अरे हाँ यार हामिद, मैं अपनी इस वाली गाड़ी को बचा के रखूंगा, क्योंकि ये मुझे सारे के सारे पॉइंट्स दिलवाएगी। ठीक है सिंचन, वो तो अभी हम लोग देख लेंगे, लेकिन लगता है कि तूने गाड़ी को कुछ ज्यादा ही रिवर्स कर लिया है। लेकिन यार हामिद, ये तो पीछे आ रही है। हाँ मुझे पता है सिंचन, ये पीछे आ रही है, अभी तू एक काम करना कि स्पीड पकड़ के जा आगे की तरफ, मेरा प्लान बहुत ज्यादा ओपी है सिंचन, नॉन स्टॉप तूने जाना है आगे की तरफ। अच्छा ठीक है हामिद, फिर मैं नॉन स्टॉप जाने वाला हूँ बिल्कुल आगे की तरफ। जीते गए यार गाइस, मुझे लगता है कि सिंचन को 500 points मिलेंगे, गाड़ी सिंचन की काफी ज्यादा तेज जा रही है ऊपर की तरफ, लेट्स गो। पहुंच गया यार गाइस, सिंचन पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर आके रुक गया। गाड़ी तो वाकई में बहुत ओपी है, लेकिन सिंचन इसको सीधा करना, लेकिन यार हामिद मैं इसको कैसे सीधा करूं? इसको सीधा करने का तरीका मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, इसको ऊपर लेके जाके तू एक काम करके बोनट के ऊपर बैठ जाना, उसके बाद ये गाड़ी सीधी हो जाएगी। लेकिन यार हामिद लगता है कि हो गया था एंड टाइम पे, पता नहीं अबे गाड़ी को बचा, अपनी गाड़ी बच गई सिंचन की। मुझे लगता है कि ये वाला चैलेंज सिंचन जीत जाएगा। अरे हाँ यार गाइस, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर कमेंट करके सिंचन ओपी लिख देना। हो गया होगा सिंचन, अब तक तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब भी हो गया, लेकिन ये क्या किया तूने, गाड़ी सीधी ट्रैक से बाहर लेके चला गया सिंचन, और सिंचन को भी मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 40 points। बट यार गाइस, मुझसे तो काफी ज्यादा आगे निकल गए ये लोग, क्योंकि मुझे 0 points मिले थे। लगता है कि आप लोग चॉप को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, अभी आप देखना कि मैं क्या करता हूँ यार। अबे यार भाई साहब, चॉप ने मोटर बाइक उठा ली है। लेकिन यार हामिद, चॉप मेरे साथ चीटिंग कर रही है, तो मेरी मोटर बाइक है, उतर अबे उतर, चॉप ये सिंचन की मोटर बाइक है, तेरी रो ये येलो वाली है। अगर येलो वाली मेरी रो है तो फिर मैं ये वाली गाड़ी लेके जाऊंगा यार। हाँ ये वाली गाड़ी ठीक है, सिंचन की मोटर बाइक में जाके बैठ गया चॉप। बट यार गाइस, सिंचन की ये जो पीछे वाली गाड़ी है ना, मिलिट्री वाली, ये भी ओपी है, मोटर बाइक भी ओपी है, और चॉप के पास ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है यार गाइस। ये वाली गाड़ी जो चॉप चला रहा है ये भी अच्छी है, और ये येलो वाली गाड़ी के पास पता नहीं कौन सी पावर है, मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन चॉप की ये वाली गाड़ी मुझे पता है यार गाइस, ये अच्छी है। देखते हैं चॉप को कितने पॉइंट्स मिलते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है यार गाइस, 30 से आगे नहीं जाएगी। आप 30 की बात कर रहे हो, मैं 500 का सोच के बैठा हूं यार। 500 तो भूल जा चॉप, 500 तो काफी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। और एक मिनट, 20 points मिल गया चॉप को, देखते हैं कि अभी कहां तक जाता है। अबे यार गाइस, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज है गाड़ी, सिंचन की गाड़ी से भी ज्यादा फास्ट है यार गाइस, ये तो मुझे लगता है कि 500 तक जाने वाली है। हाँ यार गाइस, ये वाली गाड़ी मेरे ख्याल से 500 को जाके टच करेगी। 40 points चॉप को मिल चुके हैं, देखते हैं कि चॉप को 500 points मिल पाते हैं या फिर नहीं। यार गाइस नहीं मिलेंगे, कभी भी चॉप की ये वाली गाड़ी 500 points तक नहीं जाएगी, और ये तो नीचे चली गई। लेकिन फिर भी यार गाइस, चॉप को 40 points मिल चुके हैं, काफी अच्छा खेला है चॉप ने। चलो अभी सारे के सारे पॉइंट्स सुन लो, सिंचन के पहले थे 70 points, अभी इसको मिले 40 points। हाँ तो टोटल 110 points हो गए। बिल्कुल ठीक बोला सिंचन, के हो गए 110 points। और चॉप के कितने हुए? चॉप के पहले थे 60 points, अभी मिले 40 points, इसका मतलब चॉप के हो गए 100 points। अच्छा और मेरे? तुम्हारे पहले भी 80 points थे और अभी भी 80 points ही हैं। हाँ
क्योंकि मुझे 0 पॉइंट्स मिले थे ना यार। गाइस मैं सबसे ज्यादा पीछे चला गया हूँ, मेरे 80 पॉइंट्स हैं, चॉप के 100 हैं और सिंचन के 110 पॉइंट्स हैं। अब क्या करूं मेरी यार गाइस, जो ये वाली गाड़ी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाली गाड़ी को देख के मैंने ये वाली रोज सेलेक्ट की है। देखने में आप लोग को लग रहा होगा कि अजीब सी गाड़ी है, बट यार गाइस ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। इसको मैं लास्ट में यूज करूंगा, पहले मैं अपनी इस वाली सुपर कार को यूज करता हूँ। ऑप्शन मेरे पास ज्यादा नहीं यार गाइस, सिर्फ और सिर्फ दो गाड़ियां बची है मेरे पास, लेकिन ये कॉर्वेट भी काफी ज्यादा तेज होती है और वैसे भी मैं सबसे ज्यादा पीछे हूँ यार गाइस। 500 पॉइंट्स मिल गए ना किसी तरीके से, मजा आ जाएगा। अभी इतने ज्यादा सपने मत देखो, 500 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पाओगे तुम, लेकिन वो अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा कि कौन सपने देख रहे हो यार गाइस। गाड़ी मेरी काफी ज्यादा तेज है और मुझे पता है कि यार गाइस 500 पॉइंट्स तक ये वाली गाड़ी जा सकती है क्योंकि इसके अंदर पावर्स काफी ज्यादा है। 20 पॉइंट्स तो एक सेकंड में हम लोग को मिल गए हैं और अभी देखते हैं कि कहां तक जा रही है यार गाइस। काफी ज्यादा ओपी है ये वाली गाड़ी, तो स्लो स्पीड में भी ऊपर जाती है यार गाइस। 30 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं और अब की बारी मुझे मिलेंगे पूरे के पूरे 40 पॉइंट्स। बट यार गाइस मेरा टारगेट है सामने वाली स्लोप, आई होप कि यार गाइस हो जाएगा। चलो चलो चलो, आई विश यार गाइस हो जाएगा। अबे चलो, रुक गई यार गाइस, गाड़ी रुक गई मेरी। ओपी थी गाड़ी, काफी ज्यादा ओपी थी। नीचे किधर जा रही है यार गाइस, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लिटरली में यार गाइस, गाड़ी कैसे नीचे जा सकती है इतना जल्दी? अभी तो मैंने इसको ट्राई करना था यार गाइस, ये क्या ही हो गया मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मिलते हैं 40 पॉइंट्स। ऐसे चलता रहेगा तो कैसे जीतूंगा यार गाइस, उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है लिटरली में यार गाइस। मुझे तो अपनी हार दिखाई दे रही है दूर दूर तक, क्योंकि मुझे 0 पॉइंट मिल गया था ना, धोखा दिया था मुझे उस चेन वाली गाड़ी ने। लेकिन खैर देखते हैं कि सिंचन और चौप क्या करते हैं। संभल के खेलना सिंचन, तुम्हारे पॉइंट्स सबसे ज्यादा हैं। अरे हाँ ना अंकल, मुझे पता है कि मेरे 110 पॉइंट्स हैं। 110 पॉइंट्स और भाई साहब ये गाड़ी लेके जा रहा है, ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा ओपी है यार गाइस। पता नहीं, देखते हैं कहां तक जाती है। देखा हमिद्या, मैंने आपको बोला था कि मैं जीत जाऊंगा। हां सिंचन, तूने हम लोग के देखने वालों को भी बोला था कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शायद इसलिए तू जीत रहा है। लेकिन यार हमिद्या, इस वाली गाड़ी की स्पीड तो ज्यादा तेज है। नहीं पहुंचेगा यार गाइस, नहीं पहुंचेगा सिंचन मेरे ख्याल से। अबे यार गाइस, गाड़ी यहीं पे रुक रही है इसकी, मेरे ख्याल से तो 40 को भी टच नहीं करेगा यार गाइस। बगे 40 तो दूर की बात है, ये तो 30 को भी टच नहीं कर रही। एक मिनट भाई साहब, ये कैसी गाड़ी है? दिखने में इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये वाली गाड़ी तो 30 तक भी नहीं जा सकती है। घटिया गाड़ियां सारी की सारी, मिलिट्री की गाड़ियां एक नंबर की नूबड़ी है यार। सही बोल रहा है, जो मिलिट्री की गाड़ियां किसी काम की नहीं है। मुझे लगा था कि तेज होंगी, बट नहीं यार गाइस, अभी आप लोग देखो ये वाली गाड़ी तो लिटरली में 30 तक भी नहीं पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये कि सिंचन को मिलते हैं 20 पॉइंट्स। अरे नहीं यार हमिद्या, एक मिनट रुको, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। कर सिंचन, जितना ट्राई कर सकता है कर ले। मुझे नहीं लगता कि यार गाइस ये गाड़ी 30 पॉइंट्स तक जाएगी, बट हम लोग दोबारा चेक करके देख लेते हैं। गाड़ी सिंचन की है, जब तक सिंचन गिव अप नहीं करेगा ट्राई करता रहेगा और गाड़ी नहीं जाएगी। मैं 100% श्योर हूं यार गाइस, ये गाड़ी नहीं जाएगी, नीचे गिरने वाली थी लेकिन सिंचन ने बचा लिया है। बट यार गाइस ये वाली गाड़ी तो मुश्किल है, 30 पॉइंट्स तक भी नहीं जाने वाली है। अरे नहीं यार हमिद्या, 30 नहीं बल्कि 40 पॉइंट्स तक जाएगी। सिंचन पहले 30 तक तो पहुंच जाओ, उसके बाद 40 का सोचना। नहीं यार गाइस, ये वाली गाड़ी कभी भी नहीं क्लियर कर सकती है। और नीचे भी तो नहीं गिर रही? गई यार गाइस, गई नीचे। लेकिन यार हमिद्या, जैसे आपने बोला नीचे नहीं जा रही, मेरी गाड़ी नीचे चली गई। हाँ ना सिंचन, तुझे मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स। लेकिन यार गाइस मैं फिर भी सबसे ज्यादा पीछे हूँ, देखते हैं कि चॉप क्या करता है। अंकल आप सारे के सारे पॉइंट्स को लिखते जा रहे हो ना यार? अरे पॉइंट्स की फिक्र मत करो, मेरे पास कॉपी और पेंसिल है, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को लिख के रखा है। चलो ये तो अच्छा है कि यार गाइस पॉइंट्स सारे के सारे काउंट हो रहे हैं और चॉप ने चूज की है ये वाली मोटर बाइक। अच्छी है लेकिन ज्यादा आगे मेरे ख्याल से नहीं जाएगी यार गाइस, मोटर बाइक ज्यादा आगे नहीं जाती है। लेकिन हो सकता है कि 40 पॉइंट्स चॉप को मिल जाएं। 10 पॉइंट्स तो काफी ज्यादा इजीली चॉप को मिल चुके हैं। और भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही तेज है, चॉप तुझे इसको कंट्रोल करना होगा। 20 पॉइंट्स मिल गए हैं और एक मिनट 30 पॉइंट्स भी मिल गए। मोटर बाइक से यार गाइस काफी ज्यादा ओपी होती है, मुझे लगता है कि चॉप लेगा यार गाइस, पूरे के पूरे 500 पॉइंट्स चॉप लेके रहेगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं एंड तक जाऊंगा यार। हां चॉप 40 पॉइंट्स मिल गए हैं तुझे लिटरली में यार गाइस, 40 पॉइंट्स। और ये मैं क्या देख रहा हूं? अबे नहीं भाई साहब, 500 पॉइंट्स तक चला गया चॉप। अरे वाह चॉप, क्या कहने तुम्हारे, लिटरली में यार गाइस 500 पॉइंट्स चॉप ने कर लिए हैं। चलो अभी जल्दी से वापस आ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है यार गाइस, 500 पॉइंट्स मिल गए चॉप को। अभी तुम तीनों के तीनों लास्ट राउंड के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम लोग को तुम्हारे पॉइंट्स बताता हूं। हां जल्दी से बताओ। सिंचन के थे 110 पॉइंट, अभी मिले 20 पॉइंट, टोटल हो गए 130 पॉइंट्स। सिंचन के 130 पॉइंट्स, ठीक है। चॉप के पहले थे 100 पॉइंट्स और अभी मिले 500 पॉइंट्स, इसका मतलब कि चॉप के हुए 600 पॉइंट्स। अबे यार गाइस चॉप के 600 पॉइंट्स हो गए। और तुम्हारे थे पहले 80 पॉइंट्स, अभी तुम्हें मिले 40 पॉइंट्स। 80 और 40 कितना हुआ? 120। हां तुम्हारे होते हैं 120 पॉइंट्स। अच्छा तो सबसे पीछे फिर भी मैं ही हूं यार गाइस, मेरे 120 पॉइंट्स हैं, सिंचन के 130 पॉइंट्स हैं और चॉप के 600 पॉइंट्स हैं। अभी अगर यार गाइस मेरी ये वाली गाड़ी मुझे 500 पॉइंट्स दिलवा देगी तो मेरे 620
पॉइंट्स हो जाएंगे कर सकती है यार गाइस। इसी गाड़ी का मैं वेट कर रहा था, लिटरली मैं यार गाइस मैं इसी गाड़ी का वेट कर रहा था, इसको करना होगा यार गाइस। अगर तो इस गाड़ी ने मेरा साथ दिया तो फिर मेरे जीतने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन पीछे सिंचन के पास भी तो मोटर बाइक है यार गाइस, सिंचन की मोटर बाइक भी काफी ज्यादा ओपी है। बट यार गाइस देखता हूं कि मेरी ये वाली गाड़ी क्या करती है तो ये बहुत ज्यादा ओपी, मुझे लगता है कि ये मुझे 500 पॉइंट्स दिलवा देगी। कभी भी नहीं दिलवाएगी, हमें तो आप बुरे तरीके से हार चुके हो यार। एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग की किस्मत अच्छी है क्योंकि मैंने अपनी रो को सही से सेलेक्ट नहीं किया था। लेकिन तेरी वाली मोटर बाइक चॉप मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा ओपी होगी। देखा, मैंने आपको बोला था ना कि किस्मत मेरा हमेशा साथ देती है यार। मुझे लगा था कि मैं जीतूंगा या फिर सिंचन जीतेगा, बट यार गाइस ये तो चॉप 500 पॉइंट्स ले गया। और एक मिनट, गाड़ी को मुझे कंट्रोल करना होगा, ये क्या कर रही है, इतनी ज्यादा उम्मीदें थी जिस गाड़ी से वो ऊपर ही नहीं जा रही। एक सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है यार गाइस, ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसको ऊपर जाना होगा। अभी दोबारा से ट्राई करके देखते हैं, 30 पॉइंट्स तो मुझे मिल चुके हैं यार गाइस। ये जाएगी गाड़ी काफी ज्यादा ओपी है, अबे जाओ ना ऊपर की तरफ। पर ये इसके स्लिप हो रहे हैं लेकिन ये ऊपर नहीं जा रही यार गाइस, मुझे इसको कंट्रोल करना होगा। बच गई, नीचे जाने वाली थी लेकिन मैंने इसको बचा लिया है। ऐसे कैसे नहीं कर रही यार गाइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसको करना तो चाहिए। एक सेकंड, एक काम करता हूं कि यहां से भगाता हूं, मैं अपनी गाड़ी को सही से चला नहीं रहा हूं यार गाइस। अभी मुझे यहां से इसको लेके जाना है, करेगी, मुझे लगता है कि ये वाली गाड़ी करेगी। लेट्स गो यार गाइस, देखते हैं कि आपकी बारी कितने पॉइंट्स मिलते हैं। भाई साहब ये देखो स्पीड, देखो गाड़ी की कितनी ज्यादा ओपी है, जाएगी। मुझे पता है कि ये 500 पॉइंट्स तक जाने वाली है। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही ओपी है। लेकिन अबे यार गाइस आगे नहीं पहुंची ये वाली गाड़ी, नीचे मत जाना प्लीज, नीचे मत जाना। रुक गई फाइनली यार गाइस, गाड़ी रुक गई है। मुझे लगा था कि नीचे चली जाएगी बट हम लोगों ने अपनी गाड़ी को बचा लिया है। और आप लोगों ने देखा कि कितनी ज्यादा ऊंची चली गई थी लेकिन सीधी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि मुझे इसको ज्यादा स्पीड से ही लेके जाना है और फिर ऊपर जाके मुझे इस वाली गाड़ी को कंट्रोल भी करना है। एक सेकंड, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। और एक मिनट दोबारा ट्राई करता हूँ, नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ हमें तो कभी भी 500 पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे यार। लेकिन मुझे लगता है कि चौप मुझे मिलेंगे ना, तो फिर मैं ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 500 पॉइंट्स मिल गए। अबे जाओ ना ऊपर की तरफ, क्या कर रही है यार गाइस, ये गाड़ी क्या ही कर रही है। ऊपर तो यार गाइस ये गाड़ी जा रही है लेकिन सीधी नहीं हो पा रही है। अभी एक काम करता हूँ कि ज़िगज़ैग करके जाऊंगा। हाँ यार गाइस ये ज़िगज़ैग वाला मेरा पुराना प्लान है और पुरानी टेक्निक है। बट यार गाइस गई मेरी गाड़ी पानी के अंदर, कर सकती थी यार गाइस, ये वाली गाड़ी मुझे 500 पॉइंट्स दिलवा देती लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी हम लोग की। और अभी मैं तो नहीं जीतने वाला हूँ। गाड़ी तो तुम्हारी वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन तुम इसको सही से चला नहीं पाए। चलो ठीक है, देखते हैं कि सिंचन को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। मोटर बाइक तो सिंचन की भी अच्छी है लेकिन चॉप की मोटर बाइक कुछ ज्यादा ही डिफरेंट थी यार गाइस, वो अलग ही चीज थी, सीधा सीधा चली गई ऊपर तक यार गाइस। देखते हैं कि सिंचन को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। 10 पॉइंट्स सिंचन को मिल चुके हैं, काफी ज्यादा स्पीड से जा रहा है और ये वाली डर्ट बाइक मेरे ख्याल से नहीं पहुंचेगी। हाँ यार गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली मोटर बाइक नहीं पहुंच सकती है, मगर एक मिनट, ओपी है यार गाइस, ये भी अच्छी है क्योंकि जमीन पे चिपक के चल रही है यार गाइस, ये हवा में उछल नहीं रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये करेगी। और भाई साहब एक मिनट, सिंचन इसको टेढ़ा करके ऊपर लेके चला गया है। लेकिन सिंचन अब क्या करेगा, ये स्लोप काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे यार हमिदा मैं इसको भी क्लियर कर लूंगा। सिंचन बार बार वो ज़िगज़ैग वाली टेक्निक काम नहीं आती है। और अबे यार गाइस गई, सिंचन भी गया, भाई साहब चॉप जीत गया है, लिटरली मैं यार गाइस चॉप जीत गया है। लेकिन ऐसे कैसे जीत गया, अभी तो मैंने अपनी गाड़ी को यूज ही नहीं किया यार। चौप के पास एक ये वाली गाड़ी भी रहती है यार गाइस, ये मैंने पहले कभी देखी नहीं है सही से। और मुझे लगता है कि इसकी स्पीड यार गाइस कुछ ज्यादा ही तेज है, दिखने में इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज है, लिटरली में यार गाइस ये लाइटनिंग फास्ट है। और गई नीचे, अबे यार चौप तुझे 500 पॉइंट्स मिल सकते थे। लेकिन 500 पॉइंट्स की मुझे जरूरत है ही नहीं ना यार। चलो वापस आ जाओ, मैं तुम लोगों को तुम्हारे पॉइंट्स बताता हूं। अच्छा ठीक है बताओ पॉइंट्स, मुझे पता है कि मैं हार गया हूं। चौप को अब की बारी मिले हैं 0 पॉइंट्स और इसलिए चौप के टोटल हो गए 600 पॉइंट्स। फिर भी चौप के 600 पॉइंट्स से मुझे पता है कि चौप जीत गया है। तुम्हारे पहले 120 पॉइंट्स से अभी तुम्हें मिले 40 पॉइंट्स, टोटल 160 पॉइंट्स। 160 पॉइंट्स से सिंचन के कितने हैं? सिंचन के पहले 130 और अभी 40, टोटल 170 पॉइंट्स। अबे यार गाइस मैं तो लास्ट में आ गया। तुमने बिल्कुल ठीक बोला, फर्स्ट पोजीशन मिलता है चौप को, सेकंड सिंचन को और लास्ट तुम्हें। हाँ वो 0 पॉइंट वाले ने सारा का सारा काम खराब कर दिया था। ठीक है तो फिर चलो ऊपर चौप, तुम्हें मैं तुम्हारा प्राइस दिखाता हूँ। चलो चलो जल्दी से मुझे ऊपर लेके चलो, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा यार। सिंचन और चौप यहाँ पर तो काफी ज्यादा डायमंड्स हैं। और एक मिनट ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे यार हमें तो लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। हाँ मुझे भी लगता है कि ये लोग मांगने के लिए आए यहाँ पे। हाँ भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, अगर हम लोग को भी कुछ मिल जाता तो अच्छा हो जाता। अच्छा ठीक है, एक काम करो कि ये एक डायमंड तुम लोग अपने पास रखो और निकलो यहाँ से। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन चौब ये देखिए गाड़ी तेरी है। सिर्फ गाड़ी मेरी नहीं है, सारे के सारे डायमंड्स भी मेरे और पीछे वाला हेलीकॉप्टर भी मेरा यार। लेकिन चौब तो हम लोग को कुछ नहीं देगा क्या? कुछ भी
नहीं दूंगा, आपको कुछ भी नहीं दूंगा। ये हेलीकॉप्टर देखो कितना ओपी है यार। वो तो मुझे दिख रहा है, पूरा का पूरा डायमंड का हेलीकॉप्टर है, काफी ज्यादा अच्छा है। और ये वाले डायमंड्स भी बहुत महंगे होंगे। लेकिन चौप, मैं तेरी गाड़ी चला के देख सकता हूँ क्या? आप एक काम करोगे, जल्दी से मेरी गाड़ी के झूले लेकर आ जाओ, उसके बाद हम लोग ने डायमंड्स को भी घर में लेके जाना यार। ठीक है चौप, मैं पहले तेरी गाड़ी को टेस्ट करके मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, उसके बाद हम लोग सारे के सारे डायमंड्स और ये वाला हेलीकॉप्टर भी घर लेके जाएंगे। लेकिन यार हमदे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं सिंचन, तू मेरे साथ यहाँ पे डायमंड्स को कलेक्ट करवाओगे ना यार? हाँ सिंचन, तू चौप की हेल्प कर, मैं तब तक अपने देखने वालों को ये गाड़ी चेक कराता हूँ। भाई साहब, ये तो लिटरली मेरे को ज्यादा ही ओपी है। हल्का सा टर्बो निकाला है और अभी तक यार गाइस ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये कि जब तक टर्बो निकालता रहूंगा ये गाड़ी ऊपर ही उड़ती रहेगी। आई होप कि यार गाइस क्रैश नहीं करेगी, चौप की गाड़ी है। काफी ज्यादा चोटें लगी है गाड़ी को, लेकिन गाड़ी का कुछ हुआ नहीं है। ओपी है यार गाइस, मानना पड़ेगा, डायमंड की है, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर आप लोग को भी ये वाली गाड़ी और ये वाला रैंप चैलेंज ओपी लगा तो यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और खतरनाक रैंप चैलेंज के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।